चलिए देखिए, मैं हूँ टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से और मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो S2 गाड़ी के इंजन सर्विस कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें आपको दिखा रहे हैं कि इंजन सर्विस कराते समय क्या क्या चीज़ चेंज करानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए सर्विस कराते समय। मान लीजिए कि आप इंजन सर्विस करा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ बदला जाता है और क्या क्या चीज़ नहीं बदला जाता है, तो चलिए उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। अभी जो हमारा गाड़ी है 1,00,000 किलोमीटर लगभग चल गया है, 90,000-92,000 किलोमीटर चल गया है दोस्तों। तो हम इसके बारे में आपको दिखाने वाले हैं कि इंजन सर्विस हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ नहीं चेंज कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए उस चीज़ के बारे में मैं आपसे बताने वाला हूँ। तो चलिए, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और बने रहिए। और दोस्तों, आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाने वाले हैं कि सबसे पहले इस गाड़ी को हम चैम्बर से इंजन ऑयल काढ़ने जा रहे हैं, कहाँ से इसका इंजन ऑयल निकाला जाता है उस चीज़ के बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कर दिए स्टार्ट का। तो चलिए देखिए, आ गए हम चैम्बर गाड़ी के नीचे। ये हो गया हमारा गाड़ी का चैम्बर, यहीं से हम गाड़ी को इंजन ऑयल काटते हैं। इसमें हमारा जो है 22 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, 22 नंबर का स्पेनर से हम इसे खोल देंगे और खोलने के बाद जो हमारा इंजन ऑयल है यहाँ देखिए निकलने लग गया। इस तासले के अंदर हम इसे निकाल देते हैं और इसे निकालने के बाद यहीं पे हमारा जो है देखिए बोल्ट को हम खोल दिए हैं और जो हमारा इंजन ऑयल है वो निकल रहा है। चलिए, इंजन ऑयल निकालने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है तस्वीरें में, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है हमारा मोबिल फिल्टर, इसे भी हमें चेंज करना होगा। जब भी हम मोबिल इंजन सर्विस करा रहे हैं तो मोबिल फिल्टर चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी कचरा है हमारा मोबिल का इसी के अंदर आके जमा हुआ है। चलिए, इसे भी हम देखिए नीचे में मैं आपको दिखा दिया हूँ इंजन ऑयल कैसे काढ़ा जाता है और ऑयल फिल्टर चेंज करने का तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं गाड़ी में एयर फिल्टर भी हम चेंज कर रहे हैं, सामने में आपको दिखा देते हैं क्लच ऑयल भी ये चेंज करने वाले हैं, ब्रेक ऑयल जो हमारा है सही है। आगे और भी चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको डीजल फिल्टर, डीजल फिल्टर भी हम चेंज कर रहे हैं। और गाड़ी का जो स्टीयरिंग ऑयल है ये सामने वाला स्टीयरिंग ऑयल का डब्बा है, इसमें जो हमारा है बिल्कुल पूरा है। और ये हो गया हमारा जो कूलेंट हो गया इंजन वाला कूलेंट, इसे भी हम चेंज कर रहे हैं। तब तक दोस्तों आप मेरे वीडियो पर जुड़े रहिए। चलिए, इन सभी के काम को फाइनल करके और फिर इंजन ऑयल डालते समय मैं आपको दिखाऊँगा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सर्विस कराते समय उसके बाद जो हमारा इंजन का आवाज़ है वो कैसे आपको दिखा देते हैं। यहाँ इंजन ऑयल हम डाल रहे हैं और इंजन ऑयल डाल के फिर गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखिए। सभी काम को हम फाइनल कर लिए हैं दोस्तों, जितना भी हमारा काम था यहाँ देख लीजिए, एयर फिल्टर और डीजल फिल्टर जितना भी कूलेंट वगैरह है सभी को हम फाइनल कर लिए हैं। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करके और आपको दिखा रहे हैं कि जो हमारा गाड़ी है कैसे चल रहा है। और चलिए भाई, स्टार्ट कीजिए। तो चलिए देखिए, गाड़ी को हम स्टार्ट कर दिए हैं, स्टार्ट करके और फिर आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी जो हमारा आवाज़ है कितना साइलेंट हो गया है दोस्तों, पहले से जो हमारा आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो गया है और इंजन साफ भी चल रहा है। तो दोस्तों, आप अपने भी गाड़ी को ऐसे जब भी इंजन सर्विस कराइएगा तो ये सभी काम को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।